हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, मैंने कुछ देर पहले ही वो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था। हमने नेशनल इनकम का पहला पार्ट आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको नेशनल इनकम होता क्या है, फिर डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, GDP क्या होता है, ये लेक्चर नंबर 30 में मैंने आपको सारा पढ़ाया। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 30 नहीं देखा, आप सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि तभी जाके आपको आज का लेक्चर समझ आने वाला है। मैंने आपको नेशनल इनकम भी पढ़ाया था, डोमेस्टिक इनकम भी पढ़ाया था, फिर मैंने GDP भी पढ़ाया था, फिर GDP के दो टाइप्स पढ़ाए थे, GDP एट मार्केट प्राइस, याद है, और मैंने पढ़ाया था GDP एट फैक्टर कॉस्ट। फिर मैंने बताया था एक होता है NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर मैंने बोला एक होता है NNP, एक होता है GNP, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक, इसी तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं है, आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था नॉमिनल और रियल GDP। देखिए बेटा, अब GDP के और दो टाइप्स बनेंगे, एक होता है आपके पास नॉमिनल, ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं बताऊंगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एक होता है बेटा नॉमिनल, एक GDP होता है नॉमिनल। सर नॉमिनल GDP कौन सा GDP होता है? नॉमिनल GDP वो GDP होता है, अगर आप GDP को कैलकुलेट करेंगे एट करंट प्राइजेस, अगर आप GDP को करंट प्राइजेस पे कैलकुलेट करेंगे, सो करंट प्राइजेस पे अगर आपने GDP को कैलकुलेट किया, बन जाएगा नॉमिनल GDP। अगर आपने GDP को कैलकुलेट किया एट कॉन्स्टेंट प्राइस, आपने प्राइस को चेंज नहीं किया, मिसाल आपने पिछले साल का ही प्राइस लिया, 2020 का प्राइस लिया हमने, या 2021 का, पिछला साल हो गया 2021 का हमने लिया, तो वो जो है आपका वो बन जाएगा रियल GDP। ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे मुझे एक पॉइंट यहां पे आपको बताना है बेटा। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था नॉमिनल GDP क्या होता है, क्वांटिटी आपने कितनी बनाई, कितनी आपके पास प्रोड्यूस हो गई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मल्टीप्लाई बाय करोगे उसको प्राइस। लेकिन 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 अब जरा मुझे बताओ, ये जो ये नॉमिनल GDP है, ये दो तरीके से चेंज हो सकता है, इंक्रीज ये दो तरीके से हो सकता है, या तो क्यू इंक्रीज होगा या तो पी इंक्रीज होगा, है ना, दो चीजों से इंक्रीज होगा, या तो क्यों इंक्रीज होगा, दैट मींस क्वांटिटी इंक्रीज होगी। जब आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से नॉमिनल GDP इंक्रीज हो जाएगा, उस GDP के इंक्रीज को बोलते हैं रियल इंक्रीज इन GDP। सो क्या बोलते हैं? रियल इंक्रीज इन GDP। लेकिन 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 जब आपके पास प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से GDP बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं मॉनिटरी, ये पैसों की वजह से होता है, पैसा प्राइस बढ़ गया उसी की वजह से इसको बोलते हैं मॉनिटरी GDP। और याद रखना, हमारा जो फैक्टर होता है ना, जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि भाई हमारी तरक्की होगी या नहीं होगी, हम नेशनल इनकम जो देखते हैं उसमें हम इस मॉनिटरी GDP को नहीं कंसिडर करते हैं, हम रियल GDP को कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स हम रियल इंक्रीज जो GDP में होता है, हम उसको कंसिडर खाली करते हैं। क्यों? क्योंकि असल मकसद होता है हमें कि क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है, मार्केट में प्रोड्यूसर ज्यादा, कंजप्शन ज्यादा, तो लेकिन जब मॉनिटरी प्राइस ही बढ़ जाएगा उसकी वजह से वो तो नहीं हम लेते हैं, ठीक है, चलिए। लेकिन अगर आप लोगे ना बेटा रियल GDP कौन सा GDP होता है, अभी बोला जिस जो हम कॉन्स्टेंट प्राइस पे बनाएंगे। अब GDP क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने पिछले लेक्चर से पढ़ाया है, अगर आपको पता नहीं है आप पिछला लेक्चर देखो, वरना ये लेक्चर बड़ा बन जाएगा अगर मैं इसको और समझाने बैठूं, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या है कि आपको रियल GDP बताना है, रियल GDP इज इक्वल टू क्वांटिटी कितनी बन गई मल्टीप्लाई प्राइस, लेकिन प्राइस यहां पे कॉन्स्टेंट रहेगा। मान लीजिए आपने 2021 का प्राइस लिया, इसका मतलब अब क्वांटिटी में ही इंक्रीज होगा, यहां पे खाली क्वांटिटी इंक्रीज करने की वजह से रियल GDP इंक्रीज होता है, ये चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे, अब आता है आपके पास पर्सनल इनकम। सर जी पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम होती है एक इंडिविजुअल, एक कंट्री का जो इंडिविजुअल होता है, वो सारे सोर्सेस से कितना पेमेंट लेता है, तमाम चीजों से कितना वो पेमेंट लेता है, ठीक है। और याद रखना, जो पर्सनल इनकम है ना, ये नेशनल इनकम के बराबर खरगिज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला नेशनल इनकम में हम खाली कौन से इनकम्स लेते हैं, फैक्टर इनकम्स।
अगर आपको पता है ना फैक्टर इनकम्स, वो कौन सी इनकम्स होती है, यानी जिस पर आपको कुछ मेहनत करने पे आपको कुछ मिलता है, आपको कुछ रिन्यूमरेशन मिलती है, ठीक है, उन सारे फैक्टर्स को, उन इनकम्स को बोलते हैं फैक्टर इनकम। लेकिन दूसरा होता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम होता है जहां पे आपको क्या डोनेशंस हो जाएगी, आपको कोई चैरिटी में कोई चीज मिल जाएगी, आपको सब्सिडी देगा गवर्नमेंट, आपको बिना कुछ किए आपको इनकम आ जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। याद रखना पर्सनल इनकम में, पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम एक जैसी नहीं होती है, पर्सनल इनकम में ट्रांसफर इनकम्स भी आ जाती है। जो अगर किसी ने नेशनल इनकम्स में ट्रांसफर इनकम्स को नहीं लिया जाता था, लेकिन पर्सनल इनकम्स में आप ट्रांसफर इनकम्स को लेते हो। चलो यहां पे आप पढ़ लेते हैं यहां पे क्या लिखा है, फिर मैं आपको समझा भी देता हूं। जैसे पढ़ लेते पर्सनल इनकम इज नेवर इक्वल टू नेशनल इनकम बिकॉज द फॉर्मर इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट वेयर एज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये मैंने आपको भी बताया। अब उसके बाद पर्सनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम। ये जो पर्सनल इनकम है ये कहां से निकलता है, नेशनल इनकम से ही निकलता है। कैसे, देखो देखो बेटा, आपको पता है आपको नेशनल इनकम मिल गई, चलो ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम तो आ गई, अब इससे कैसे आप बनाओगे पर्सनल इनकम। देखो सबसे पहले आपको मैंने अभी बोला नेशनल इनकम्स में फैक्टर इनकम्स होती है, इसका मतलब फैक्टर इनकम्स तो होगी पर्सनल पर्सन के पास, तो पर्सनल इनकम भी हो जाएगी उसमें, लेकिन ट्रांसफर इनकम पेमेंट्स तो ऐड करनी पड़ेगी, तो ट्रांसफर इनकम ऐड किया। लेकिन अब कुछ चीजें आप कंज्यूमर क्या करता है, आप इंडिविजुअल क्या करता है, वो कुछ सोशल स्कीम्स में, सिक्योरिटीज में, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है ताकि उसको कल जाके कोई बेनिफिट हो जाए, ठीक है, तो वो तो अमाउंट उसकी इनकम में नहीं आएगा, वो अमाउंट हम माइनस करते हैं। और याद रखना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। देखो अब जब इसको इनकम मिलेगी, ठीक है, लेट्स सपोज इनकम इसको मिल गई, लेकिन इस इनकम का कुछ पोर्शन होता है जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को, मिसाल कंपनी का कोई इन्वेस्टर होता है, कंपनी ने उस इन्वेस्टर को अभी अपना हिस्सा नहीं दिया होता है और उसके पहले ही उस कंपनी ने क्या किया होता है, इनकम दी होती है इसको, अब वो चीज तो वापस जाएगी इन्वेस्टर के लिए, इसका मतलब वो भी माइनस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब पर्सनल इनकम कैसे मिलेगा, नेशनल इनकम में से बेटा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कर लो और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को भी माइनस कर लो, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स को प्लस करना है, ठीक है, समझ आ रही है बात की नहीं। अब इसके बाद एक और इनकम है जिसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। देखो बेटा अब आपके पास बेटा पर्सनल इनकम आ गई, ठीक है बेटा, अच्छे से सुनो बेटा, आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं, पर्सनल इनकम आ गई, सर जी समझ आ गया, लेकिन उसके बाद आपको सरकार बोलता है चलो आपको इनकम आ गई, इस इनकम पे आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, इसको इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स के बाद आपके पास कितनी इनकम टैक्स पे करने के बाद, डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद आपके पास कितनी इनकम रहेगी, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, इसको यहां पढ़ लेते हैं। डिस्पोजेबल इनकम इज आल्सो नोन एज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इट इज अ इंडिविजुअल्स इनकम आफ्टर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद आपके पास कितनी पेमेंट रहेगी, और याद रखना चाहिए बेटा जब आपके पास भाई आपके पास क्या हो गया, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ गई, सो डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन आपको पता है आप सारी की सारी इनकम तो इन्वेस्ट नहीं करते हो, इसका मतलब आप कुछ इन्वेस्ट करते हो यानी कंज्यूम्पशन के लिए यूज करते हो, कुछ आप सेविंग्स के लिए यूज करते हो, इसीलिए मैंने यहां पे पॉइंट लिखा है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। क्लियर है बेटा, चलिए आगे। इसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होता है एवरेज में एक बंदा, एक कंट्री का एक बंदा एवरेज में कितना कमा लेता है, उसकी कितनी इनकम है, ठीक है, एक एवरेज में अगर हम निकालेंगे, एक एवरेज में आपके पास जो बंदा होगा बेटा वो कितना एवरेज में कमाएगा, वो आपके पास क्या बनेगा, वही आपके पास होगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको पर कैपिटा की फॉर्मूला देखनी होगी, मैं आपको बताऊंगा पर कैपिटा की फॉर्मूला है बेटा, पर कैपिटा की फॉर्मूला क्या है, आपको पर कैपिटा जो है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। नेशनल पूरे नेशन की कितनी इनकम है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कितनी है, इसका मतलब सारी इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन वही तो देगा आपको पर कैपिटा इनकम कितनी है। समझ आ रही है बात की नहीं, चलते हैं आगे, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आती है रियल इनकम। देखो मैंने आपको ऊपर क्या पढ़ाया, ऊपर मैंने आपको अभी पढ़ाया पर्सनल इनकम, है ना, सारी चीजें अभी पढ़ाई, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, अब आती है रियल इनकम। देखो जो आपके पास नॉमिनल इनकम है, अभी मैं आपको नॉमिनल भी पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपको समझ लेने की जरूरत है कि भाई रियल इनकम क्या होता है। रियल इनकम आपके पास वो इनकम होती है, देखो ये अलग अलग है, दो दो चीजें अलग है, एक होता है रियल जीडीपी, अभी मैंने पढ़ाया पहले ही लेक्चर के पहले, एक होता है नॉमिनल जीडीपी।
गलत नहीं करना एग्जाम में, जीडीपी और इनकम में फर्क है, ये दोनों एक नहीं है। जीडीपी, रियल जीडीपी वो जीडीपी होता है जिसको आप कैलकुलेट करते हैं एट कॉन्स्टेंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी आप वो जीडीपी होता है जिसको आप कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस पे। यही मैंने बोला था एग्जैक्टली यही बोला था। अब लेकिन रियल इनकम वो वाली इनकम होती है, रियल इनकम वो वाली इनकम होती है जो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई एक कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, परचेजिंग पावर, बाइंग पावर कितना है, सॉरी बाइंग पावर परचेजिंग नहीं, बाइंग पावर कितना है, ठीक। तो वो कितना बाई कर सकता है, एक कंज्यूमर कितना बाई कर सकता है, ठीक है, वो क्या है आपका, वो आपका रियल इनकम आएगा। लेकिन रियल इनकम में हम कॉन्स्टेंट प्राइजेस को नहीं, करंट प्राइस पे देखते हैं, ठीक। अभी के टाइम पे हम देखते हैं कि भाई इसके पास कितना जनरेट हो रहा है, ठीक, इसके पास ये कितने पैसे है, ये कितना खरीद सकता है, उससे कितना बाय कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं भाई ये जो आपके पास होता है रियल इनकम, ये आपको बाइंग पावर, इससे आपको पता चलता है कि भाई अगर आपके पास नॉमिनल इनकम है, नॉमिनल इनकम होती है वो वाली इनकम जो जनरल प्राइस, सॉरी जो कॉन्स्टेंट प्राइस पे आप निकालते हो, इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस, यानी पिछले साल पर निकालते हो। लेट्स सपोज अगर पिछले साल 15 रुपए का कोई चीज था, अब आज आप वही नॉमिनल आज उसी प्राइस पे निकालते हो, अब बताओ नॉमिनल आपको सही बाइंग पावर दिखाएगा क्या है इसका, कंज्यूमर का नहीं दिखाएगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए रियल प्राइस जो करंट प्राइस है वो लगाने पड़ेंगे। दैट मींस रियल इनकम जो है वो किसके, वो कब निकाल, वो किस पे निकाला जाता है, करंट प्राइस पे। अब इसको पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। नॉमिनल इनकम इज नेशनल इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। इन अदर वर्ड्स रियल इनकम इज द बाइंग पावर ऑफ नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम में से आपका कितना बाइंग पावर है, कितने में से आप खरीद सकते हो, वही आपका रियल इनकम है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, चलिए ओके। देखिए मैंने आपको बताया, अब देखो रियल इनकम की फॉर्मूला क्या है, ठीक है। रियल इनकम बोलता है भाई, रियल इनकम हम कॉन्स्टेंट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है, मेरे दिमाग में निकल गया, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्राइस पे। तो जब हम रियल इनकम निकालते हो ना, पता है फॉर्मूला क्या है, आप करते हो नेशनल इनकम, नेशनल की कितनी, नेशन की पूरी इनकम कितनी है, डिवाइडेड बाई क्या करते हो, P1 बाई P0। सर ये P1 बाई P0 क्या है, P1 आपका प्राइस इंडेक्स आएगा इस साल का, P0 आएगा प्राइस इंडेक्स नंबर पिछले साल का, ठीक है, याद है ये इंडेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ाया है स्टैटिस्टिक्स में, यहां पर भी कंसेप्ट यूज हो रहा है। आगे चलिए बेटा, अब आता है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ये एक ऐसा इंडेक्स होता है, ठीक है, जो आपको बताता है गुड्स और सर्विसेज का, जो गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी कैलकुलेट करने में इंक्लूड होते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक है, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कितना चेंज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, उसके लिए हमारे पास एक जीडीपी डिफ्लेटर आता है जो हमें बताता है कि भाई जिन गुड्स एंड सर्विसेज को आपने जीडीपी को कैलकुलेट करने में लिया था उनके प्राइसेस में अगर चेंज हुआ तो वो कौन बताएगा, जीडीपी डिफ्लेटर बताएगा। तो वो किसके बराबर होता है, याद आपको रखना है बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर होता है बराबर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर होता है बराबर नॉमिनल जीडीपी कितना है डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी कितना है मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे 100 करोगे। अब देखो आपको बेटा नेशनल इनकम मेजर करनी है, अब उसके कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, है ना, आपके पास नेशनल इनकम भाई मेजर करनी है आपको, लेकिन आपके पास इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब उन्हीं मेथड्स को आपको क्या करना है, उन्हीं मेथड्स को हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में सारा पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको अगले लेक्चर के लिए नहीं छोड़ूंगा, चाहे लेक्चर एक घंटा का भी बने, मैं लेक्चर इसी सारे कंप्लीट करेंगे और ताकि आप भी फिर बाद में प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्या बताता है। All goods and services produced in the country must be counted and converted against money value during a year. जितने भी देखो, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं ना, चाहे आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, एट द एंड ऑफ ईयर जब साल चलता है, सब साल चलता है, तो उसमें हम क्या करना करते हैं, फिर लास्ट में हम उसका मॉनिटरी वैल्यू निकालते हैं कि भाई इन सर्विसेज का, इन गुड्स का मनी में कितना वैल्यू है, ठीक। इसका मतलब होता है या तो आपने मनी दो चीजों में किया होगा यूज, या तो आपने कंजप्शन में किया होगा, या तो आपने सेविंग में किया होगा, ठीक है। इसीलिए आप अपनी, और याद रखना, हम तीन तरीकों से अपने नेशनल इनकम को
कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है प्रोडक्ट मेथड, दैट मींस प्रोडक्शन के जरिए से हमने प्रोड्यूस कितना किया था। अगर हम प्रोडक्शन, जहां पर प्रोडक्शन होती है वहीं पर अपनी नेशनल इनकम मेजर करेंगे, उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट मेथड। अगर आपने इनकम, ठीक है, अगर आपने इनकम पे देखा कि भाई हमने इनकम, अगर हमारी इनकम कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, हमारी इनकम कितनी बन रही है, दैट मींस इनकम कैसे हम मारेंगे। देखो इनकम कैसे आएगी, देखो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ एक्सपेंडिचर, सबसे पहले होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैंने आपको अभी बोला, अगेन बोलता हूँ, प्रोडक्शन से कैसे समझ आएगा कि कंपनी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो देखेंगे, जो फर्म्स है वो देखेंगे भाई हमने कितना प्रोड्यूस किया। लेट सपोज उन्होंने 50,000 क्विंटल्स, उन्होंने क्वांटिटीज वो निकालेंगे, उसका प्राइस लेट सपोज उन्होंने 10 अरब निकाला, तो 10 अरब हमारे लिए क्या बन गया? नेशनल इनकम। अब दूसरा होता है खर्चा, खर्चे पे हम देखेंगे भाई आपने कितना खर्चा भी किया, ठीक है, उस अगर आप सारी चीजों को देखेंगे तो वो भी आपका देगा वही, ठीक है, वो भी आपको इनकम सी बताएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर से भी आप बता सकते हो कि भाई आजकल गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और इंडिविजुअल्स ने कितना कितना किया, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है आप सारे एक्सपेंडिचर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये होता है दूसरा मेथड, जिसमें आप कंजप्शन से, भाई कंजप्शन कितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स पे कितना खर्चा हुआ है, स्टॉक्स में वैल्यू कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स पर कितना खर्चा हो गया है, ठीक है, उस सारी चीज़ें से आपको क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर मेथड। उससे भी नेशनल इनकम मिलेगी, लेकिन उस मेथड क्या कर दे? एक्सपेंडिचर। अब होता है दूसरा इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या करते हैं हम काम, हम इनकम्स, देखो इनकम कैसे, जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कंपनी से मतलब माल भेजा, उसके बाद वापस उसके बाद इनकम आ गई ना इसके पास। अब प्रोडक्शन कंपनी के पास टोटल में इन अमाउंट्स को भेजने के बाद कितनी इनकम आ गई, ठीक, वही आपका होगा नेशनल इनकम, ठीक। तो यहां पर मैंने आपको यहां पे तीन मेथड्स बताए, यहां पे देख सकते हैं। एक होता है प्रोडक्शन यानी वैल्यू एडेड मेथड, या दूसरा होता है इनकम मेथड या फैक्टर अर्निंग मेथड। फैक्टर अर्निंग क्यों? क्योंकि सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक को अलग अलग अपना शेयर मिलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फैक्टर अर्निंग। हम सारे फैक्टर्स के शेयर्स को कैलकुलेट करते हैं, सबका कितना शेयर बनेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी को बोलते हैं हम इनकम मेथड। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज रखना, अब देखते हैं सबसे पहले GDP जब आप निकालते हो एक्सपेंडिचर मेथड से, उसमें क्या क्या आप कंसिडर करते हो। सबसे पहला कंजप्शन कितना हुआ, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, ठीक, उसका कॉस्ट निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर साल में कंजप्शन का कॉस्ट होता है 10 लाख, तो 10 लाख लिखेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्चा करता है, लेट्स सपोज इसने 100 लाख किया है तो 100 लाख लिखेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट्स पर कितना खर्चा हुआ है, लेट्स सपोज अगर इन्वेस्टमेंट्स पे आपका 30 लाख का खर्चा हो गया, 30 लाख लिखेंगे। फिर चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, आपके स्टॉक में कितना चेंज आ गया, लेट सपोज चेंज अब दो तरीके से हो सकता है, आपका चेंज कभी डेप्रिशिएट हो सकता है ना, आपको स्टॉक्स में कभी वैल्यू कम हो सकता है या कभी एप्रिशिएट बढ़ सकता है वैल्यू। अगर बढ़ेगा, लेट सपोज अगर बढ़ेगा तो 10 लाख ऐड करेंगे, लेट सपोज 10 लाख नहीं, चलो 10,000, 1 लाख ऐड करेंगे, हमें एप्रिशिएट हो गया, मतलब चीजों का वैल्यू बढ़ गया, ठीक, चीजों का वैल्यू बढ़ गया। और तीसरा जो लास्ट वाला है इसका होता है, ठीक है, जो इसका लास्ट वाला होता है उसमें क्या हम करते हैं काम, उसमें हम देखते हैं भाई हमने एक्सपोर्ट्स कितने किए। लेट्स सपोज हमने एक्सपोर्ट जो किए थे वो 70 लाख का किया था, लेकिन हमने इंपोर्ट्स भी किया था, बताओ अगर इंपोर्ट्स किया है तो वो हमारी हमारे में से माइनस होगा, दैट मींस अगर इंपोर्ट हमने 30 लाख का किया वो आपका क्या होगा, माइनस। अब बताओ नेशनल इनकम क्या बनेगी, 10 लाख, 100 लाख, 110, 140, यहाँ पे 1 लाख है, 141, 141 प्लस आता है 141 प्लस आएगा 70, तो ये बनेगा 174 11, तो 211 माइनस करेंगे 30, सो 211 में से 30 बेटा माइनस कर लो तो देखो वो कितना आएगा, एक में से एक कुछ नहीं तो 20, 21 में से 3 तो 18, 181, तो 181 लाख हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। चलिए बेटा इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड भी, ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है फैक्टर इनकम। आप इनकम से निकालोगे कैसे, आप निकालोगे भाई आपने आपके जो जॉब मतलब पीपल है जो जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है उनकी सैलरी कितनी है, सारों की सैलरी, सारे लोग जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो जॉब कहीं कंपनी में कर रहे हैं। और दूसरा निकालोगे अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है उसका प्रॉफिट कितना हुआ, वो भी तो जीडीपी में मदद करेगा। उसके बाद अगर किसी ने कोई मिसाल रेंट दिया था कोई लैंड, ठीक है, उसकी वजह से रेंट कितना आ गया, ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी कहां पे, फैक्टर इनकम्स में, है ना, यही होता है ना। चलिए
उसके बाद आपका आ जाता है जीडीपी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में मैंने क्या आपको बोला, इसमें आप क्या करते हो काम, इसमें हर किसी का आप देखो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया ना एट प्रोडक्शन कंपनी, वहीं पे आप उसका कॉस्ट निकालते हो, उन्हीं को कॉस्ट को ऐड करते हो। दैट मींस इसमें आप वैल्यू ऐड करते हो हर एक कंपोनेंट्स का, ठीक है, चाहे वो सेक्टर जो हो, चाहे प्राइमरी प्रोडक्शन हो, चाहे सेकेंडरी प्रोडक्शन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वार्टरनरी हो, सारे प्रोडक्शन कंपनीज का आप जितने भी उन्होंने बनाए वैल्यू, जितने भी उन्होंने कंजप्शन मतलब ये ना प्रोडक्शन गुड्स बनाई, ठीक है, उन सारों का वैल्यू ऐड करते हैं, देखते हैं हमारे कंट्री में आज कितना, इस साल कितना आपका आउटपुट जनरेट हो गया, उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलते हैं अब एक मेथड पे, उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। सर प्रोडक्ट मेथड पढ़ लेते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट मेथड बता दिया, यही आपका प्रोडक्ट मेथड, ये जो आपके पास ये वैल्यू एडेड मेथड है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। चलते करते स्टार्ट, प्रोडक्ट मेथड मेजर्स द आउटपुट ऑफ कंट्री। अभी बोला मैंने एक कंट्री का टोटल आउटपुट कितना निकलता है, प्रोडक्शन कंपनीज कितना टोटल में आउटपुट निकाल पा रहे हैं, उसको बोलते हैं आप प्रोडक्ट मेथड, यही मेजर करता है वो। इट्स ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंटरी मेथड, इसको इन्वेंटरी मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें किस किस सेक्टर के प्रोडक्ट्स को लिया जाता है, किस किस सेक्टर के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कैलकुलेट किया जाता है, एग्रीकल्चर से कितना प्रोडक्ट आता है उसके प्राइस को लिया जाता है, इंडस्ट्री से कितना कौन कौन प्रोडक्ट निकलता है उनके प्राइस को लिया जाता है, एंड ट्रेड और कॉमर्स से कौन कौन प्रोडक्ट निकलता है, यानी सारे जितने भी आपके पास कंपनीज है ना, उन सारों का प्रोडक्ट निकालते हैं किसने कितना प्रोडक्ट जनरेट किया। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या है, यहां पे बोलता है ये इंपॉर्टेंट है, जब आप फैक्टर मेथड से करते हो ना, या वैल्यू एडेड मेथड से करते हो, प्रोडक्ट मेथड से जब आप इनकम जनरेट मेजर करते हो, उस वक्त आपको ध्यान में रखना होता है कि कहीं आप चीजों को डबल नहीं कर काउंट कर रहे हो। मिसाल आपने कोई चीज बनाई, आप उसको दो बार एंट्री करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है वो आप यहां पे देख सकते हैं, पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज डिराइव्ड बाय द समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज एडेड इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस। जो भी आपने बनाया ये तो वही है। ठीक है, अब सर ये कैसे करना है, क्या नहीं करना है, देखो अब बोलते हैं हम किस किस चीज का हम वैल्यू। देखो अगर हम इंडिया में बात करेंगे बेटा, इंडिया में आपके जो वैल्यूज होते हैं ना फार्म आउटपुट के, कौन कौन से मतलब इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे आपके पास 64 एग्रीकल्चर कम्युनिटीज है, अब उनकी क्वांटिटीज कितनी बन गई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे उनके एरियाज के साथ। ठीक है, शॉर्ट में वो देखेंगे कि भाई आपने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज कितनी क्वांटिटी में बनाई, फिर उनका प्राइस क्या था, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस। ठीक है, वो आपका दिखाएगा आपको टोटल प्रोडक्शन क्या बनेगा एग्रीकल्चर का। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी कम्युनिटीज का निकाल सकते हो। और याद रखना, जो कम्युनिटीज का आप वैल्यू निकालोगे ना, वो किसका वैल्यू, वो आप बेस वैल्यू पे नहीं निकालोगे, आप मार्केट प्राइस पे निकालोगे, जो अभी मार्केट प्राइस होगा उस पे निकालोगे। ठीक, यानी आप अपने कॉस्ट पे नहीं निकालोगे, आप देखोगे मार्केट में इसको कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद बताता है द नेट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट इज मेजर्ड बाय मेकिंग डिडक्शंस फॉर। अच्छा, अब देखो, चलो हमने सारी जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बन गई उन सब का कॉस्ट लिखा ऐड करते गए, मगर ये भी तो देखना है ना, जो एग्रीकल्चरिस्ट होगा, जो एग्रीकल्चर के साथ है, जिसने ये चीजें बनाई, उसको सीड लाने में तो कॉस्ट लगा होगा, मैन्यूर्स लाने में कॉस्ट तो लगा होगा, फर्टिलाइजर्स पर तो कॉस्ट लगा होगा, मार्केट में कभी कभार ऊपर नीचे चेंज होती है, रिपेयर्स उसको करने पड़े। ठीक है, उसको कभी कभार डेप्रिसिएशन हो गया किसी चीज का, तो वो सारी चीजें तो इसमें माइनस करनी पड़ेंगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है, देखिए मैं आपको यहां से बोलता हूं, ये आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं। बताता है द नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट इन दीज सेक्टर्स इज डिराइव्ड बाय मेकिंग डिडक्शंस फॉर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसके बाद नेट वैल्यू ऑफ ईच सेक्टर मेजर्ड इन दिस वे इंडिकेट द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर टू द नेशनल इनकम। इससे पता चलता है कि भाई हर एक कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करती है टू द नेशनल इनकम। अब इसमें एक प्रिकॉशन है, क्या, ये जो आपके पास बेटा प्रोडक्ट मेथड है, या जिसको बोलते हैं आप वैल्यू एडेड मेथड, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फॉलो करते हैं। कौन करते हैं, अंडर डेवलप्ड, क्यों, क्योंकि ये लेस रिलायबल है, क्यों, क्योंकि यहां पे जो मार्जिन ऑफ एरर है ना वो बहुत ही ज्यादा है। और याद रखोगे इंडिया में प्रोडक्ट मेथड यूज होता है, लेकिन किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मतलब कैलकुलेट करने में उनका वैल्यू कितना है, माइनिंग के प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने में कि उतना वैल्यू उनका वैल्यू कितना है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स को इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजों को आप किससे कैलकुलेट करते हो, किस मेथड से कैलकुलेट करते हो, प्रोडक्ट मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बोला कि भाई आपको यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्या आपको डबल काउंटिंग नहीं करनी है किसी चीज की, अगर आपने किसी क्वांटिटी का किसी कमोडिटी का ऑलरेडी वैल्यू एड किया है, आपको उसको दोबारा नहीं करना है। ठीक है,
चाहे वो, अच्छा दूसरा चीज, अगर कोई कमोडिटी होगी जो रॉ मटेरियल है या जो इंटरमीडिएट गुड है, जो फाइनल गुड नहीं है, अगर आपका गुड फाइनल नहीं है आपको उसका कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, आपको उसका भी कॉस्ट इंक्लूड। जैसे आपको मिसाल के तौर पर आपको पता है यार्न होता है, यान, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप लेट्स सपोज क्लोथिंग, आप क्लोज बना रहे हो, अब अगर आप क्लोथ का भी प्राइस इंक्लूड कर रहे हो, इस यान का भी, आपको पता है इस यान का तो इसी में इसका इंक्लूड हो गया। अब एक होता है यान अलग एक प्रोडक्ट बनाना, मिसाल धागा ना, धागा थ्रेड, ये थ्रेड होता है, एक होता है थ्रेड अलग से बिकना, वो अलग बात है। लेकिन अगर थ्रेड से ये बनाओगे और जिस थ्रेड से ये क्लोथ बना होगा आप इस थ्रेड का अलग से कॉस्ट लगाओगे, इस क्लॉथ का अलग से कॉस्ट लगाओगे, तो डबलिंग होगी ना। इसीलिए मैंने बोला आपको डबलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको डबलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां से यही बताता है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ आउटपुट यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन शुड बी काउंटेड व्हाइल मेजरिंग नेशनल इनकम। देखो आपने क्या किया, मिसाल आपने 10,000 चीजें बनाई, लेकिन कुछ दो तीन चीजें, लेट्स सपोज आपने दो तीन चीजें क्या किया, खुद के लिए भी यूज किए, अब क्या वो नेशनल इनकम में आप मेजर उसका वैल्यू ऐड करोगे? हाँ, उसका वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, देखो आपने क्या किया काम, आपने ड्यूरेबल गुड्स बनाए जो 10 साल से चलते आ रहे, अब उन्हीं का क्या हो रहा है, सेल और परचेज हो रहा है। याद रखना बेटा, जो भी ड्यूरेबल गुड्स हो, देखो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ड्यूरेबल गुड्स हो जो बहुत देर तक रहने वाले है, ठीक है, जो पेरिशेबल नहीं है, नॉन पेरिशेबल गुड्स, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक, इंटरमीडिएट गुड्स या बिगनरी गुड्स, यानी इसका मतलब होता है जो पहले हमें प्राइमरी गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनको आप, इनका वैल्यू जो है आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आपको इंक्लूड नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखनी है ये चीजें, ठीक है। चलिए आगे, अब आ जाते हैं अपने दूसरे मेथड पे जिसका नाम है इनकम मेथड। मैंने आपको क्या बोला, इनकम मेथड में क्या किया जाता है काम, जब आपने प्रोडक्शन कंपनी ने कोई बनाया, सारू प्रोडक्शन कंपनी, जितनी भी प्रोडक्शन कंपनीज थी उन्होंने सारू ने बनाई चीजें बनाई, फिर उसके बाद जब इनकम भी आती है ना, लेट्स सपोज ये एक कंपनी है, उसका इनकम आ गया, अब उसकी इनकम किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहां पे रेंट में होगी यानी लैंड, यहां पे लेबर में यानी आपकी वेजेस, यहां पे कंपनी में यानी कैपिटल में हो जाएगा ना, उसके बाद एक और हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गेनाइजेशन, लैंड एंड लेबर, और कौन बच गया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, और कैपिटल अब ये आएगा कंपनी में आ जाएगा प्रॉफिट, जो अब आता है प्रॉफिट जाता है इसके पास, और कैपिटल में क्या आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल को भी देना पड़ेगा कुछ, ठीक, इसका मतलब चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब इसमें इनकम तो होगी, अब आपको देखना है सारे प्रोडक्शंस में, सारे प्रोडक्शन कंपनीज में, फिर सारी चीजें बिककर जो इनकम आ रही है ना उससे आप कैलकुलेट करोगे टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी एक प्रोडक्शन कंपनी की, ठीक है, उसकी वजह से फैक्टर्स में कितनी इनकम जनरेट होगी, उन सारों का जब सम लोगे ना वो भी आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करके देगा। चलिए देख लेते, पढ़ लेते, दिस मेथड अप्रोच नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। मैंने आपको अभी बोला जब इनकम आ गई एक कंपनी को, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे ऐसे ऐसे, अब वो लैंड में भी करेगा डिस्ट्रीब्यूट, अब वो लेबर में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल में भी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में भी करेगा, फिर इन सारों का कितना कितना हिस्सा बन गया, सारे कंपनीज का हिस्सा करेंगे ऐड, उसके बाद आपको क्या निकलेगा, आपको निकलेगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम निकलेगा आपको। चलिए, अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द इनकम्स जनरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग नेशनल प्रोडक्ट। जितनी भी इनकम आपको जनरेट हो गई है कोई नेशनल प्रोडक्ट बनाने में, वो सारों को ऐड करोगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। देखो अब यहां पे एक चीज बोलता है भाई, जो आपकी फैक्टर इनकम्स होती है, फैक्टर इनकम्स याद रखना, मैंने आपको बोला फैक्टर इनकम्स वो इनकम्स होती है जो आपको कुछ करने से, कुछ मेहनत और मशक्कत करने से आपको कोई चीज मिलती है, इनकम मिलती है। आपने लेट्स सपोज कोई चीज बनाया, फिर उसको बेचा, बेचने से कोई चीज आपको वापस प्रॉफिट मिला, ठीक है, वो वाली इनकम जो है वो आपकी फैक्टर इनकम है। आप, मैंने कोई सर्विस दी, सर्विस देकर क्या किया, मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे पैसा दिया, तो ये वाली इनकम जो होगी वो फैक्टर इनकम होगी, ठीक है। आपने क्या किया, किसी ने आपको डोनेशन दिया, किसी ने आपको क्या किया, मिसाल सब्सिडी दी, आप सब्सिडीज दी आपके गवर्नमेंट ने, वो सारी क्या होगी, वो फैक्टर इनकम नहीं होगी, वो होगी ट्रांसफर इनकम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे आप फैक्टर इनकम में कौन कौन लेते हो, मैंने आपको बोला था नेशनल इनकम में खाली फैक्टर इनकम्स लेते हैं, इसका मतलब आपको लेना है लेबर्स इनकम, भाई लेबर ने कितना टोटल में उनकी वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स कितने हुए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी में एम्प्लॉय ने कितना खर्चा किया, वो सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। फिर कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम में क्या देखा जाता है भाई, एक कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, फिर उसके बाद उसने, देखो एक होता है प्रॉफिट कमाना,
फिर उसको जो उसको क्या बोलते हैं बिजनेसमैन होगा जिसने कैपिटल दिया होगा वो बोलेगा उसको मुझे भी इंटरेस्ट दो क्योंकि मैंने पैसा लगाया, वो उसको इंटरेस्ट देगा, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट। फिर डिविडेंड्स जो इसके इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, जो इसके इन्वेस्टर्स होंगे कंपनी के, उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो अगर प्रॉफिट आ जाए वो डिवाइड हो जाए, तो उनको कितना, उन इन्वेस्टर्स को कितना आपने प्रॉफिट दिया वो होता है डिविडेंड, ठीक है। एंड रॉयल्टी, आपको रॉयल्टी भी कितनी मिली वो अभी आपको कैलकुलेट करनी होती है। मिक्सड इनकम, मिक्सड इनकम में क्या आता है, फार्मर, सोल प्रोफेशन एंड अदर प्रोफेशंस, ये आपको पता ही है, यानी मिक्सड इनकम होता है जो बाकी चीज़ों में, जैसे फार्मिंग में आ गई आपकी, किसी सोल प्रोफेशन में आ गई, या अदर कोई प्रोफेशन होगा, ठीक है, जो भी बाकी चीज़ें होती है, जो भी बाकी प्रोफेशन जितने भी हो सकते हैं उनको लिया जाता है। चलो अब नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे फैक्टर इनकम्स को एडेड करके। अब मैं आपको बोलता हूँ कैसे, देखो ये आपके पास है नेशनल इनकम, ये आपके पास अब क्या लेना है, वेजेस, वेजेस को लिया, रेंट्स को लिया, इंटरेस्ट को लिया, ये कौन सा इंटरेस्ट है, जो आप कैपिटल पे देते हो, जो आप कैपिटल पे देते हो किसको, बिजनेसमैन को। पाई क्या है, कंपनी का मुनाफा। आर क्या है, आर है एक्सपोर्ट्स। पी क्या है, इंपोर्ट्स, क्योंकि आपको इंपोर्ट्स तो कम करने पड़ेंगे, वो तो आपको किसी और ने दिया, वो तो आपको इंक्लूड नहीं करना है, वो आपकी इनकम तो नहीं है। चलिए जी बेटा आगे चलते हैं। अब बोलता है दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिमेनिंग सेक्टर्स, ठीक है। ये क्यों अडॉप्ट किया जाता है, ताकि जो बाकी सेक्टर्स है ना, जैसे आपके स्मॉल एंटरप्राइज है, बैंकिंग, इंश्योरेंस है, कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट है, प्रोफेशंस है, लिबरल आर्ट्स है, डोमेस्टिक, बाकी सारे जितने हैं ना, उनका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो आप, काम ये मेथड अडॉप्ट करते हो, वरना वो उस मेथड में रह जाता है। डेटा ऑन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब आपको देखो अगर आपको अब्रॉड से भी कुछ डेटा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया जब नेशनल इनकम होती है ना, नेशनल इनकम, अब अगर आपके पास कोई बंदा होगा, देखो बेटा अच्छे से कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट जहाँ पे बोलता हूँ ना, ध्यान दो, कोई बंदा है वो आउटसाइड द कंट्री वर्क कर रहा है, वो यहाँ पे लंदन में है, लेकिन उसने क्या किया काम, वो लंदन में है, लंदन में है बेटा, लेकिन 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 वो लेस देन वन ईयर के लिए ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं गया है। अब इसका मतलब, लेकिन उसका जो कैप्ट इंटरेस्ट है, इकोनॉमी का इंटरेस्ट, वो अपनी कंट्री में ही, इसका मतलब जो भी उसका प्रॉफिट होगा, जो भी उसकी इनकम होगी, वो नेशनल इनकम में मानी जाएगी, वो उसमें इंक्लूड की जाएगी। अब वो भी तो आपको कैलकुलेट करनी है, इसलिए बोलता है जो भी आपका इनकम अब्रॉड से आएगी, ठीक है, जो भी आपका, अब वो कैसे आप पता लगाओगे कि अब्रॉड में से उसने कितनी इनकम लगाई, ठीक है, वो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मैंने आपको बोला आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, आपकी कंट्री में कितना आ गया पैसा बाहर का, कितना गया पैसा यहाँ आपकी कंट्री का, गया कितना बाहर, बाहर से अंदर कितना पैसा आ गया, वो आप एक अकाउंट में मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई इनकम कितनी आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है, ठीक है, या आपके पास कोई सेक्टर होगा, कोई कंपनी होगी बाहर किसी कंपनी में, उससे भी तो मुनाफा होगा, उससे भी तो इनकम होगी, वो भी आपकी नेशनल इनकम में होगी, ठीक है। प्रिकॉशंस, अब आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप इस मेथड के साथ खेलोगे, क्या करना है, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये मैंने आपको हमेशा बोला, अब भी बोलता हूँ, ट्रांसफर पेमेंट्स भाई नेशनल इनकम में नहीं लेना होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेना होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेना होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, द रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स, ये ऊपर भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ, ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, उनको आपको नेशनल इनकम में नहीं लेना है भाई, दिमाग में बिठा लो ये चीज़, खाली आपको फैक्टर इनकम्स लेनी है, ट्रांसफर इनकम नहीं लेना है, ड्यूरेबल गुड्स का नहीं लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेना है, रॉ मटेरियल्स नहीं लेना है। अच्छा, विंडफॉल गेन्स सच एज लॉटरीज, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि लॉटरी वॉटरी सारे जो है ना, ये किस में आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा ट्रांसफर इनकम में, तो ट्रांसफर इनकम लेना ही नहीं है। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स शुड नॉट बी सेपरेटली इंक्लूडेड, देखो अब आप बोलोगे सर कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, यानी कॉरपोरेट ने जो टैक्स भरा वो भी तो लेना है ना, उसने तो टैक्स भरा ना, वो तो दिया, लेकिन वो तो ऑलरेडी इंक्लूड होता है कंपनी के मुनाफे में। देखो अगर कंपनी का मुनाफा, देखो कंपनी शो करती है कि भाई मेरा मुनाफा 30 है, वो 30 कैसे मुनाफा करती है, वो पहले ये टैक्स देकर मुनाफा बताती है कि मेरा 30 है, लेट्स सपोज उसको पहले 50 रुपये आए थे, ठीक, उसको 20 रुपये टैक्स चढ़ते थे कॉर्पोरेट के, वो 20 रुपये यहाँ देता है, अब बचा कितना, बचा 30, तो अब यही 30 चढ़ेगा नेशनल इनकम में, इसका मतलब होता है नेशनल इनकम में ये 30 चढ़ेगा, ये 50 नहीं चढ़ेगा, इसका मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को आपको अलग से इंक्लूड नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी जो प्रॉफिट होगा कंपनी का वो तो ऑलरेडी उसी में इंक्लूडेड है, ठीक है, ये भी आपको याद में रखना है। अब कौन कौन सी चीज़ आपको इस मेथड में लेनी है, ठीक है, ये मैंने आपको बोला रेंट्स लेनी है, ये तो बिल्कुल वही है। अब आता है लास्ट वाला मेथड, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, यानी आउटले मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है काम भाई, सोसाइटी कितनी एक्सपेंडिचर, सोसाइटी पर कितना खर्चा होता है, ठीक है,
ठीक है, सोसाइटी कितना एक्सपेंड कर रही है, सोसाइटी टोटल में कितना, आपकी कंट्री टोटल में कितना एक्सपेंड कर रही है एक साल में, उन सब एक्सपेंडिचर्स को एक साथ जोड़ 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 कर ऐड किया जाता है और उसके बाद क्या बन जाता है, आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। समझ आ रही है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जो पहला लेक्चर था ना वो इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि मैंने उसी में सारी चीजें लगभग उसी में कंप्लीट की थी। चलो, अंडर दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय द सोसाइटी, ये मैंने बोला टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर ऑफ अ सोसाइटी इट इंक्लूड्स, देखो अब इसमें क्या क्या आता है, मैंने आपको ऊपर भी बोला अगेन बोल रहा हूँ, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आपने अपने आप पर कितना खर्चा किया, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी की उस पर कितना खर्चा किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया कंजप्शन पर और कैपिटल पर कितना किया, नेट एक्सपोर्ट्स पर खर्चा कितना आ गया। ठीक है, चलो अब इसको निकालते कैसे है, देखो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, यहां पर भी देखो, जीएनपी, जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी, कंजप्शन कितना हुआ टोटल में, कंजप्शन पर कितना एक्सपेंडिचर आ गया, आई, आई मींस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स पर कितना खर्चा आ गया, जी, जी मींस गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंड किया, फिर एक्स, एक्स मींस इंपोर्ट्स, एक्स मींस एक्सपोर्ट्स, एम मींस इंपोर्ट्स, और एक्स माइनस एम को क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ है। चलो जी, चलो जी आगे चलते हैं, प्रिकॉशंस, देखो सेम प्रिकॉशन, कोई टेंशन नहीं, देखो अगेन रिपीट हो जाएगा, सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड करोगे नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो ड्यूरेबल होते हैं और ड्यूरेबल गुड्स को मैंने अभी बोला आपको इंक्लूड नहीं करना है। परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, देखो आपने परचेज किया शेयर किसी का या किसी का बॉन्ड परचेज किया, आपको वो चीजें एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करनी होती है, दिमाग में रखना बेटा, हो सकता है वहां पे पूछेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स को, ये तो आपको हजार बार मैंने कह चुका हूं, एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, बताओ करोगे नहीं करोगे, ये भी चीज आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, फिर आता है फैक्टर कॉस्ट, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ हूं मैं पहले लेक्चर में। ठीक है, फिर आता है मार्केट प्राइस, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है पहले लेक्चर में। तो क्या फर्क है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में, देखो जब आपके पास लेट्स सपोज जीडीपी निकालते हैं हम फैक्टर प्राइस मार्केट प्राइस पे, ठीक है, जब आपने जीडीपी निकाला मार्केट प्राइस पे, फिर वो फैक्टर कॉस्ट में कैसे बदलता है, उसमें आप क्या करते हो, आप काम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं हम, जब हम उनमें से, देखो उनमें से कुछ टैक्स उसको भरना है ना मार्केट प्राइस में, बोलता है वो टैक्सेस के बगैर, ठीक है, वो टैक्सेस को भी जोड़ देता है, लेकिन कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो उसको टैक्सेस के लिए, जो उसको प्रोडक्ट के टैक्स में देना पड़ता है, तो इसका मतलब वो तो इंक्लूड नहीं करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर में बोल दिया है, अब आपके लिए बहुत ही आसान होंगी ये चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना, इस पर यही लिखा है जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, जो मैंने अभी भी, देखो अभी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, देखो ये है आपका एमपी, दैट मींस मार्केट प्राइस, ये है फैक्टर कॉस्ट, अभी मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, इसमें माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं सब, इसको इसी को बोलते हैं ना फैक्टर कॉस्ट, इट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस को माइनस कीजिए बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। याद है पिछला लेक्चर अगर याद होगा ना आपको, तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखो ये बोलता है नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब इस पे ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को समझ नहीं आ गया कैसे क्या है ये चीजें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहला लेक्चर अच्छे से सुनो, उस पे मैंने सारी चीजें आपको बता ही दी है। चलिए, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, देखो इसका इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट, टू नो द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम, ताकि हमको पता लगे कि भाई बहुत सारी जो सेक्टर्स हैं हमारे पास उनमें एक दूसरे में इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, कौन सा सेक्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें ज्यादा इकोनॉमी जनरेट करके देता है। ठीक, अच्छा एक और, फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम वी कुड फाइंड हाउ इनकम इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मच इज स्पेंट, सेक्स सेव्ड और टैक्स्ड। तो ये चीजें अगर आपको मतलब देखनी है भाई, ये क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो सरकार को क्या करना होता है, उसको फिस्कल पॉलिसी बनानी होती है, आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनानी होती है, उन चीज़ों को वो कैसे बनाएगा वो पहले देखता ना कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या है, उसी के हिसाब से वो पॉलिसी भी बनाएगा। इसका मतलब ये नेशनल इनकम निकालना हमारे लिए जरूरी बनता है। टू फॉर्मुलेट द प्लानिंग एंड इवेलेट ऑफ इवेलुएट द प्लान प्रोग्रेस, देखो अब आपको पता है इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है भाई, अगले साल के लिए क्या इकोनॉमिक, अगले पांच फाइव ईयर प्लान आपने पढ़ा है ना इकोनॉमिक प्लानिंग में, तो वो सारी चीजें आपको करनी है, लेकिन आपको पहले पता भी होना चाहिए ना एक इनकम कितनी है हमारी नेशनल की, तो इसलिए भी आपको जरूरी बनता है आपको प्लानिंग के लिए।
टू बिल्ड इकोनॉमिक मॉडल्स बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है, ये भी इसका एक है। ठीक है, अगर आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन करना होगा कि भाई हम किस लेवल पे है अभी, ठीक है, हमारी कितनी पोजीशन है अभी इकोनॉमी की बाकी की निस्बत से, तो वो भी आपको नेशनल इनकम निकाल के ही पता चलेगा। अच्छा, अगर आपको कंट्री का पर कैपिटा इनकम निकालना है, जिससे आपको पता चलता है एक्चुअली में इकोनॉमिक वेलफेयर कितना है एक कंट्री का, ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या नेशनल इनकम का निकालना जरूरी है। क्यों जरा बताओ, पर कैपिटा इनकम किसके बराबर होता है, याद है बेटा, पर कैपिटा इनकम होता था बराबर नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए हमें नेशनल इनकम की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं, टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री, ठीक है, हमारे पास इनकम जो है वो कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा, नेशनल इनकम से ही पता चलेगा। तो अराइव एट मेनी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स नेमली टैक्स, आपको पता लगेगा कितने लोग टैक्स दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे, जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, जीडीपी और टैक्स में क्या रेशियो है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, तो ये सारी चीजें आपको पता लग सकती है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है जब आप मेजर कर सकते हो अपने नेशनल इनकम में। क्या देखो, अब किसी चीज का आपको किसी चीज का वैल्यू घट गया, लेकिन अब आपको पता लगाना है कि वैल्यू कितना घट गया। आपको पता है ना, चीजों का वैल्यू घट जाता है दिन ब दिन, लेकिन कितना डेप्रिशिएट हो गया उसके लिए तो कैसे आप लगाओगे पता, तो वो आपके लिए एक डिफिकल्टी आता है। ठीक है, अच्छा एक और है कि आप ट्रांसफर पेमेंट्स को आप इंक्लूड नहीं करते हो, ये भी एक किस्म है। अनपेड सर्विसेज, कुछ सर्विसेज होती है जो अनपेड होती है, जिनमें आपको कुछ नहीं पैसा, मतलब वो उनको भी पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आप इनकम में वो भी दिखाते हो। ठीक है, आप नेशनल इनकम में वो भी दिखाते हो। इनकम फ्रॉम, देखो यहां पे आती है कुछ इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। ये डिफिकल्टीज आती है कि जब आप इनकम को नेशनल इनकम को मेजर करते हो। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड चेंजिंग प्राइस, ठीक है, एंड कैपिटल गेन स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, अगर आपको इसको पढ़ना है ना, ये मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, ये बस यही है जो मैंने आपको बताया, बस वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, वही चीज़ इस पर भी लिखी हुई है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब यहाँ पे हमारा जो है नेशनल इनकम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये थ्योरी पार्ट है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं बच गया जो मुझे बोलना है, तो आई होप आपने लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। तो आज हमारा ये जो नेश इकोनॉमिक्स के साथ वास्ता था ये ख़त्म हो चुका है, आपका इकोनॉमिक्स सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आप एक टॉपिक तो बचता है, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपको एलपीजी पढ़ना पड़ेगा, दैट मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वो तीन चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी एंड दैट इज़ इट। सो वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो आप खुद भी देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ आपने अगर सारी सीरीज़ देखी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, आपने अगर सारी सीरीज़ देखी है ना इकोनॉमिक्स की लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 31 तक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ इकोनॉमिक्स के साथ कैसा रहा, मेरे साथ आपका जो इकोनॉमिक्स की जर्नी थी वो मेरे साथ चली, आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, जरूर कमेंट करना बेटा कैसा लगा आपको इकोनॉमिक्स। ठीक है, चीजों को आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे से चीजों को समझा होगा, एंड मैं ये दुआ करूंगा कि भाई अगर आप इस सीरीज को देख पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो, तो मेरी गारंटी है कि कम से कम मैं 8 मार्क्स मान के चलता हूं कि भाई आपको 8 मार्क्स आने चाहिए फिर किस में, इकोनॉमिक्स में कम से कम। ठीक, लेकिन जब आपने पूरा फॉलो भी किया होगा, फिर आपने उसको अच्छे से समझा भी होगा और दिमाग में रखा भी होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करते हैं लोग, वो तो समझ पाते हैं लेकिन फिर दिमाग में रखते नहीं है, जब दिमाग में रखा नहीं होता है तो फिर लास्ट में आता नहीं है। जब आप, एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है पढ़ के समझ के फिर उसके बाद दिमाग में स्टोर करके वहां पर रिट्रीव करना। कुछ लोगों को पता भी होता है, दिमाग में होती है चीजें, मगर फिर वहां वो रिट्रीव नहीं कर पाते एग्जाम में, तो फिर वो बोलते हैं सर आपने पढ़ाई नहीं था, आपने तो ये क्या हमारा टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, कम से कम मैं आपको गारंटी देता हूं 8 मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से जेएससी का पेपर देखा और जिस हिसाब से मैंने अपना पढ़ाना देखा, जैसा मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, उस हिसाब से मैं बताता हूं, मेरी एनालिसिस है। आई कैन बी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं जो बोल रहा हूँ खुन्ना उस बिल्ला मैं कोई ये हूँ, ठीक, लेकिन मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए, जो जेएसए में पूछे गए क्वेश्चंस थे उससे मैं एक एनालिसिस, आप भी खुद कर सकते हैं, आपके पास खुद भी एक चांस है, आप एनालाइज कीजिए जेएसए के पेपर्स को
और मेरा जो आपको कंटेंट है आप इसको देखिए, क्या उसमें क्वेश्चंस आए थे कि नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर जो जैसे में आप आए थे क्वेश्चंस बिल्कुल वही है जो आपके कंटेंट में है, जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड किया, जो आपने पढ़ाया है वही है। इसका मतलब हो गया 8 मार्क्स आपको बिल्कुल कम से कम, मैं बोल रहा हूँ कम से कम, जो लोग 10 कर सकते हैं ना वो 10 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम जो जिसने मेरे पास इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा वो कम से कम 8 से कम सोचेगा ही नहीं। उसके मन में 8 से कम होना नहीं चाहिए, नॉट लेस देन 8, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ मेरी मेहनत कामयाब, मेरी मेहनत आगे चल गई है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा। अभी मैं लेक्चर को स्टॉप कर देता हूँ, उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक आपके लिए एक मतलब अभी पूरा नहीं है, पक्का नहीं है, लेकिन अगर मैंने रिस्पॉन्स देखा आपका ठीक है उस हिसाब से, ठीक है मेरा एक अनाउंसमेंट रहेगा, एक अभी अनाउंसमेंट नहीं है, अभी मैं वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं करूँ या ना करूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं मैथमेटिक्स जो आपका FAA का है, फाइनेंस अकाउंट स्टैंड, अगर आप सच में चाहते हो, एक होता है ऐसे ही बस बोलना, ठीक है अगर आप सच में चाहते हो कि मैं मैथमेटिक्स फाइनेंस अकाउंट स्टैंड पे मैराथन लेक्चर्स लाऊं जो एक एक घंटे के हो और जो लगभग 10 लेक्चर्स में सारा कवर हो, जिसमें मैं खाली क्वेश्चंस को पढ़ाऊं और थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी, ठीक है थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं थोड़े क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़ाऊँ और वो 10 लेक्चर में कंप्लीट भी हो और वो मैराथन लेक्चर्स हो सकता है एक घंटा, हो सकता है एक घंटा 10 मिनट, एक घंटा 5 मिनट, एक घंटा 15 मिनट, इतना ही बस, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप सच में चाहते हो ना और सच में चाहते हो तो मैं वो रिकॉर्ड करके नहीं अपलोड करूँगा, याद रखना मेरी जो प्लानिंग होगी ना वो मैं रिकॉर्ड करके नहीं लाऊंगा, वो मैं आपके साथ लाइव आऊंगा, बिल्कुल लाइव आऊंगा लाइव, और टाइम नहीं वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं कमेंट्स पे कोई टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बस आपके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। हाँ अगर किसी को लास्ट में डाउट आता है फिर लास्ट में देखेंगे किसका डाउट आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज स्टार्ट करूं, लेकिन अभी नहीं होगा, फिलहाल कुछ दिनों के बाद हो सकता है, और मैं आपका रिस्पॉन्स भी चेक करूंगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसी के हिसाब से हम आगे चीज़ों को चलाएंगे। आई होप आपने चीज़ों को एंजॉय किया होगा, तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा चीज़ों को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को इसी पॉइंट पे स्टॉप करते हैं, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।